ऐसे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं हर सबको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हर छोटे वीडियोस यूट्यूब चैनल के एक और फ्रेश वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ स्मार्टफोन के बारे में। आज की इस वीडियो में आपसे बात करूंगा स्मार्टफोन के कुछ ऐसी चीजों के बारे में जिसके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस वीडियो को। दोस्तों रोजाना जीवन में तो आजकल हम लोग स्मार्टफोन यूज़ करते ही हैं, चाहे कोई लोग स्मार्टफोन में अपने एंड्रॉयड ओएस यूज़ करें या फिर आईओएस यूज़ करें, लेकिन कहीं ना कहीं स्मार्टफोन तो हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज़ करते ही हैं। ऐसे में हम लोग के स्मार्टफोन के अंदर कुछ ऐसी भी चीज़ें देखने को मिलती है जिसके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं। आज के इस वीडियो में इनमें से एक ही चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों आपने गौर किया होगा, अगर आप लोगों ने स्मार्टफोन रखा है, चाहे वो कोई भी स्मार्टफोन हो, ज़्यादातर सभी स्मार्टफोन में आपको ये देखने को मिलता है, आपने गौर किया होगा कि कहीं ना कहीं आपके स्मार्टफोन के पीछे साइड में कैमरा के आसपास एक छेद या फिर बोले तो एक होल एकदम छोटा सा, या फिर अपने स्मार्टफोन के टॉप पे यानी कि ऊपर में देखा होगा या फिर राइट साइड में देखा होगा, लेफ्ट साइड में देखा होगा कि आपको एक होल देखने को मिलता है। ज़्यादातर आपने बैक साइड में देखा होगा कैमरा के नज़दीक में, या फिर अपने टॉप में देखा होगा अपने स्मार्टफोन के। आपको बता दो दोस्तों, ये जो होता है बहुत कम ही लोग जानते हैं इसके बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि ये होता क्या है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिरकार ये होता क्या है, इसका काम क्या है, इससे क्या फ़ायदा है, नहीं फ़ायदा है। देखिए दोस्तों सिंपल वर्ड में मैं आपको बताता हूँ, ये जो होता है सेकेंडरी माइक्रोफोन होता है। अब दोस्तों यहाँ पे बात निकल के आता है कि सेकेंडरी माइक्रोफोन ये क्यों होता है, इसके क्या फ़ायदे हैं। अब नॉर्मली तौर पे दोस्तों आप लोग जैसा मालूम है हुईगा आपको कि हम लोग जो स्मार्टफोन को यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं इसके माध्यम से बहुत सारे वर्क करते हैं, जिसमें से एक तो सबसे बड़ा काम ये निकल के आता है कि हम लोग फ़ोन पर किसी से बात कर पाते हैं, कम्युनिकेशन कर पाते हैं बहुत ही आसानी से। तो वैसे में दोस्तों हम लोग जो बात करते हैं स्मार्टफोन पर, तो स्मार्टफोन में तो हमारा एक ओरिजिनल बोले तो एक जो ओरिजिनल माइक्रोफोन होता है, रियल माइक्रोफोन होता है, वो तो आपको देखने को मिलता ही है। ज्यादातर वो आपके स्मार्टफोन को बॉटम में देखने को मिलेगा, जहां पे एक माइक्रोफोन होगा, एक स्पीकर फोन होगा, अर्थात एक स्पीकर होगा, एक माइक्रोफोन होगा। अब जो बोलते हैं उस माइक्रोफोन के साथ आपका आवाज वहां तक चला जाता है, लेकिन दोस्तों आप बोलते हैं तो जो माइक्रोफोन है आसपास के नॉइज को भी कैप्चर कर लेती है, आपकी आवाज को भी कैप्चर कर लेती है। बहुत सारी ऐसी आवाजें हैं वहां पे जिसे वो कैप्चर कर लेती है, वहीं पे काम आता है उस सेकेंडरी माइक्रोफोन का। बोले तो दोस्तों वो काम करता है नॉइज कैंसिलेशन का, यानी कि दोस्तों एक तरीका से वो पॉप फिल्टर की तरह काम करता है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि पॉप फिल्टर जो है आपका जो भी बोलते हैं तो आपके आवाज को तो कैप्चर करती ही है, और साथ ही साथ आसपास जो नॉइज होती है उसे कैंसिल करती है। तो नॉर्मली तौर पर उस माइक्रोफोन का भी यही काम है जो सेकेंडरी माइक्रोफोन होता है, कि आसपास बहुत सारे नॉइज देखने को मिलते हैं, बहुत सारे ऐसे ऐसी आवाज देखने को मिलते हैं जो अनवांटेड आवाज है, जिसकी कोई जरूरत नहीं है, तो उससे वो कैंसिल करती है जिस हद तक वो पॉसिबल है उसमें, और साथ ही साथ आपका जो आवाज है उसी को वो सेंड करती है, फिर बोले तो उसी को ही कैप्चर कर पाती है, और जितना भी बाहर की आवाज है उसे कैंसिल करती है वो सेकेंडरी माइक्रोफोन। अब ज्यादातर देखिए आप कॉलिंग पे बात करते हैं उसके लिए भी हो सकता है, या फिर आपको मालूम होगा कि आप तो वीडियो रिकॉर्डिंग भी करते हैं, अर्थात बोले एक तरीके तो अपने स्मार्टफोन से या फिर दुनिया के किसी भी कैमरे से आप वीडियो रिकॉर्डिंग तो नहीं कर सकते, यहाँ पे FPS काम में होता है। आप जानना चाहते हैं ये क्या है तो FPS के ऊपर मैंने पहले ही वीडियो बनाया, आप उसको देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि FPS यानी कि फ्रेम पर रेट क्या होता है, या फिर फ्रेम पर सेकेंड क्या होता है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं सिंपल वर्ड में, ये एक सेकेंडरी माइक्रोफोन है जिसके माध्यम से बोले तो एक तरीके का नॉइज कैंसिलेशन का काम किया जाता है, या फिर किसी प्रकार का अनवांटेड सॉन्ग है उसे रिमूव किया जाता है, अनवांटेड वॉइस है उसे रिमूव किया जाता है, चाहे वो किसी प्रकार का नॉइज हो, चाहे वो किसी प्रकार का और आउटी आवाज हो, जिसे रिमूव किया जाता है। बाकी मतलब अगर आप लोग वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं तो वहां पे भी ऑडियो रिकॉर्ड होता है, तो कहीं ना कहीं उस पर भी कुछ नॉइज देखने को मिलती है, उसे भी उस सेकेंडरी माइक्रोफोन के माध्यम से क्लीन किया जाता है, नॉइज को कैंसिल किया जाता है। तो यही काम होता है उस सेकेंडरी माइक्रोफोन का। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि वह क्या है और उसके क्या फायदे हैं। तो फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में इतना है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज के वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को। इस वीडियो में इतना है दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।